हाँ जी, गुड मॉर्निंग, क्या हाल है सभी के। तो आज थोड़ी सी मैं आपको एक अपडेट करता हूँ, क्योंकि देखो बारिश हर जगह, अब मुझे लग रहा है मैक्सिमम जगह जो है वो काफ़ी अच्छी बारिश आपकी चल रही है। ठीक है, काफ़ी अच्छी बारिश हो भी गई है, मॉइस्चर काफ़ी अच्छा बन गया है, क्योंकि कंटिन्यू दो दिन से बारिश हो रही है। तो जहाँ भी अच्छी बारिश हो चुकी है वहाँ पे अभी फ़िलहाल, अगर आपने सॉइल एप्लीकेशन की हम अगर बात करें कि आप सॉइल में कोई एप्लीकेशन कर सकते हो आजकल, तो जहाँ भी आपको लग रहा है कि मुझे साइज़ का थोड़ा इशू है, ठीक है, थोड़ा छोटा भी, बहुत ज़्यादा छोटा साइज़ आपका है, या जहाँ अच्छी क्रॉप है, आप सिर्फ वहीं पे, अगर आपके पास स्टॉक पड़ा हुआ है, लेने की ज़रूरत नहीं है अगर स्टॉक पड़ा हुआ है, क्योंकि पीछे क्या है कि मैक्सिमम फर्टिगेशन आपका नहीं कर पाए थे। ठीक है, तो कुछ एक आपका भी रहा होगा, कोई स्टॉक आपका पड़ा हुआ है, नहीं आप डाल पाए, तो आजकल आप उसको आप ऐड कर सकते हो। तो सेब में तो देखो कैल्शियम नाइट्रेट आप साइज़ के लिए भी आप डाल सकते हो। ठीक है, सॉइल एप्लीकेशन आप कर सकते हो, अगर अच्छा मॉइस्चर आपका बन गया है, अच्छी आपकी बारिश आपकी हो रही है, तो आप एक तो ये कर सकते हो। दूसरा, क्योंकि अभी आप देखोगे कि नीचे भी बारिश मॉइस्चर बहुत अच्छा बना हुआ है, और ऊपर से भी हल्की हल्की बूंदाबांदी आ रही है, और इसमें एक फ़ायदा है कि इसमें क्या होगी, आपकी कोई भी फर्टिगेशन चाहे यूरिया है कुछ आप डाल रहे हो, तो वो भी आपका क्या है, लीच वगैरह कुछ होने वाला नहीं है, धूलेगा नहीं। ठीक है, ये बहुत अच्छा है, एक कह सकते हैं आपके पास प्लस पॉइंट है। तो अभी सेब में तो आप कैल्शियम नाइट्रेट आप ऐड कर सकते हो, जहाँ भी जैसे आपको साइज स्विच की दिक्कत है, तो आप इसको स्प्रेड करके, अभी आप इसमें ज़्यादा नहीं डालोगे कैल्शियम नाइट्रेट, आप ज़्यादा मत डालना, मतलब 400 से 500 ग्राम तो आपको डालना ही पड़ेगा। ठीक है, 500 ग्राम तक आप कैल्शियम नाइट्रेट आप दे सकते हो, 400 से 500 ग्राम। और दूसरा क्या कर सकते हैं कि दूसरा आपका स्प्रेड करके आप इसमें डालना है, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, अच्छा मॉइस्चर बना हुआ, बाकी ऊपर से हल्की की बूंदाबांदी भी हो रही है। और दूसरा, तेज़ बारिश होती है तो डालने में तब नहीं डाली जाती, तब क्या होता है कि लीच होने का खतरा होता है, आपका यूरिया वगैरह होता है, नाइट्रोजन होता है, वो लीच हो जाता है। तो तेज़ बारिश में तो बिल्कुल नहीं डालना, जब नीचे अच्छा मॉइस्चर बन गया, ऊपर से भले ही अभी देखोगे तो ब्रिक ब्रिक बारिश आपकी चली है, तो ये एक अच्छा प्लस पॉइंट है। और दूसरा, आपने मेन चीज़ें आपका यूरिया जो आप कहते हो, इसमें आपका क्या बोलते हैं, पीयर में आप नहीं डाल पाए थे पीछे, तो अभी पीयर में आप क्या कर सकते हो, आप यूरिया को ऐड कर सकते हो। और यूरिया आपने पीयर में कोई ज़्यादा नहीं डालना है, ठीक है, कम आप डालो उसमें, उसमें रेशियो 300-400 ग्राम तक आप उसमें डाल सकते हो पीयर में, अकॉर्डिंग टू प्लांट साइज। अगर बहुत बड़ा प्लांट है तो आप 500 ग्राम तक आप उसमें डाल दो, 500-700 ग्राम तक आप डाल सकते हो, ज़्यादा नहीं डालना है, कम डालना है। ठीक है, छोटे प्लांट है तो उसमें 250-300-400, उस हिसाब से रेशियो आपने डिवाइड करके आपने डालनी है पीयर में। ठीक है, स्प्रेड करके वहाँ पे आपने डालनी है नाइट्रोजन। तो एक अच्छा पॉइंट है कि आगे आपके साइज में थोड़ा हेल्प आएगी, दूसरा आपका ज़्यादा पीयर में ग्रीनरी वगैरह भी हेल्प आएगी। बाकी कैल्शियम नाइट्रेट आपने सिर्फ वन प्लांट में डालना है, जहाँ आपको अच्छी ग्रोथ हो, जहाँ आपकी साइज छोटा है। ठीक है, बाकी अगर नहीं है तो लाने की जरूरत नहीं है, फिर आप फॉयलर आप देते हो, जो फॉयलर आप कर रहे हो तो आप फॉयलर आप दे सकते हो। अभी कैल्शियम नाइट्रेट क्योंकि ज़्यादा नहीं डाल सकते हम, फिर कलर का इशू आएगा, तो आपने ज़्यादा नहीं डालनी है कैल्शियम नाइट्रेट भी। अब 300-400-500 अकॉर्डिंग टू प्लांट साइज, जब प्लांट बड़ा होगा तो 500 ग्राम तक आप डाल सकते हो। तो अभी प्लस पॉइंट ये है, आप ये आप ऐड कर लो। ठीक है, तो सॉइल एप्लीकेशन में आप ये कर सकते हो। दूसरा क्या है, जैसे आपके न्यू प्लांट है, लाइक मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ, कोई न्यू प्लांट है हमारे, ठीक है, तो इन प्लांट में भी आप कर सकते हो, कैल्शियम नाइट्रेट ही इसमें आप ऐड कर लो, कोई दिक्कत नहीं। आप इसमें कैल्शियम नाइट्रेट थोड़ा थोड़ा, एक एक मुट्ठी, ज़्यादा नहीं डालना इसमें, एक एक मुट्ठी आप इसमें ऐड कर लो, ये भी आपका प्लस पॉइंट आएगा। या कोई आपकी नई आपकी इस वाली ग्रोथ का इशू आपका आ रहा है, तो उसमें आजकल आप यूरिया पड़ा हुआ है, यूरिया डाल दो, कैल्शियम नाइट्रेट तो कैल्शियम नाइट्रेट थोड़ा थोड़ा, एक मुट्ठी आपने उसमें ऐड कर लेनी है। ठीक है जी, बाकी जहाँ बिल्कुल आपका साइज का भी बहुत ज़्यादा इशू आपको लग रहा है, तो वहाँ पे आपका थोड़ा काफ़ी थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल आपकी होगी ये। ठीक है, तो ये कैल्शियम नाइट्रेट वहाँ पे क्या होगी, बहुत अच्छी आपकी हेल्पफुल होगी। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा आपने इसमें कैल्शियम नाइट्रेट आपने ऐड कर लेना है। और ये बारिश आपके लिए बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट है, इसमें साइज़ में तो बहुत ज़्यादा इशू, जिनका बहुत ज़्यादा इशू आ रहा है वो देखना, एकदम से आपका साइज़ जो होता है वो क्या करेगा, पुश करेगा। ठीक है, आपका साइज एकदम से अब पुश होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जो जो अभी ऐड कर सकता है वो ऐड कर लो, थोड़ा थोड़ा अपने जो पीछे आप ऐड नहीं कर पाए थे, तो अभी थोड़ा थोड़ा आप ऐड करके आपका काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको, ऐसा नहीं है कि हेल्प नहीं मिलेगी, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो साइज़ अभी एकदम से आपका भाई पुशअप होने वाला है, और अच्छा साइज़ बनेगा जहाँ तक मुझे लग रहा है कि साइज़ आपका अच्छा बनेगा, क्योंकि ऐसे टाइम में आपका बारिश आई है, ऐसे टाइम में बारिश आई है जब आपका बहुत ज़्यादा, आपको पता है कि ड्राउट कंडीशन हो गई थी, मॉइस्चर बिल्कुल कह सकते हैं जीरो प्लस हो रहा था, और तूफान में भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। ठीक है, बहुत लोगों का नुकसान हुआ है, तो उसका तो कुछ नहीं कर सकते, वो तो एक्ट ऑफ गॉड ही क्या उसमें कर सकते हैं, पर यह है कि उसमें भी जितना आपका वीक फ्लोर था, ठीक है, वो तो आपका गिरना ही था उसमें, वो तो गिरना ही था, लेकिन अभी जल्दी गिर गया। ठीक है, वीक फ्रूट तो सबसे पहले ड्रॉप हुआ है, बाकी जो स्ट्रॉन्ग फ्रूट है आपका, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बर्ड है, वो तो फिर आपका नहीं इतना जल्दी नहीं गया, बल्कि तूफान मेरा बहुत ज़्यादा तूफान आया हुआ है, ऐसा नहीं है, लेकिन मेरा भी कहीं ना कहीं दाने को गिरे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं गिरे, गिरे हैं दाने, ठीक है, बड़े प्लांट में कुछ ज़्यादा गिरे हैं, छोटे में उतने नहीं ड्रॉपिंग हुई है उतनी, हमारे छोटे में तो नहीं उतना ड्रॉप हुआ है। ठीक है, तो ये है, बाकी अभी समर क्लिक बड़े प्लांट में आपने करना है, बाकी जो बेंडिंग प्लांट है अब इनमें समर क्लिक आपने छोड़ देनी है, जितनी हो गई हो गई, अब आप इसके बाद समर क्लिक बिल्कुल नहीं करोगे,
क्योंकि अब आपको क्या होता है कि अगर इसके बाद भी आप करने लगे समय क्लिक तो आपको फिर सनबर्न की भैया बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। तो फिलहाल वो अपने ध्यान रखना है। तो फिलहाल के लिए अभी जिसने ऐड करना है वो ऐड कर सकता है, ठीक है, ज़्यादा नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा आप डाल सकते हो कैल्शियम नाइट्रेट सेम है और पीएल में आप नाइट्रोजन आप दे सकते हो, ठीक है, इन फॉर्म ऑफ इन यूरिया। तो वो काम आप कर लो, स्प्रेड करके डालना है, कोई मिलाना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है आपको। चलिए थैंक यू, बाकी नेक्स्ट अपडेट फिर करेंगे। थैंक यू।